लोकसभा चुनाव 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव से जीत का अंतर बढ़ाने के प्रयास में लगे पीएम मोदी इत्र नगरी कन्नौज का मूड जानने के लिए पहुंच चुके हैं। भाजपा विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, परसों काशी वालों ने अवसरवादियों महाबिलावटियों के होश उड़ा दिए और आज आपने उनका भाल बिहाल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि आप सब विजय डंका बजाने यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आतंक का सबसे बड़ा टारगेट रहा है और पाकिस्तान इसका गढ़ रहा है। सपा बसपा वाले बताएं कि आप आतंकवादियों से डरते हैं या उनको बचा रहे हैं। ये आज पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। इन्होंने कभी आतंकवाद को रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों से हमदर्दी जताते हैं। उन्होंने कहा कि महामिलावटी लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं। अब नया हिंदुस्तान आतंकियों से डरेगा नहीं। मोदी ने कहा कि 23 मई को इतिहास बनने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी के लिए बहन जी ने बाबा साहब का इस्तेमाल किया है।